कि सरकार पर विश्वास मत करो, प्रशासन पर विश्वास नहीं करो, सब अपना खेती बेच करके और घर घर में राइफल रखो, तब तुम्हारी सुरक्षा होगी। एक सप्ताह में तीन तीन कुशवाहा जो इम्पोर्टेंट लोग थे, दो निर्वाचित मुखिया, एक वार्ड सदस्य, ये तीन तीन इम्पोर्टेंट लोग का हत्या हो गया और हम लोग हाथ पर हाथ से धरे रहे। वीडियो देखने के बाद कुछ तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। नमस्कार प्रणाम, कुशवाहा के राज। और आप देख रहे हैं कुशवाहा समाज यूट्यूब चैनल। आप लोग के जितना जोश में कमेंट कल दिखाए और जितना वीडियो को शेयर किए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को कहना चाहते हैं कि रिक्वेस्ट है कि इस पे चुप नहीं रहना है, क्योंकि समाज को आगे ले जाना है। खुल्लेआम बोल रहे हैं, समाज को आगे ले जाना है तो राजनीतिक में पहले आगे रखना होगा कुशवाहा समाज को। और नहीं रखिएगा, अगर आप लोग अगर नहीं सपोर्ट दिखाइएगा तो जो आप लोग का एकता करते हैं तो आप लोग एकता इसमें लाइए पहले। राजनीति में आगे जाने के बाद ही आप समाज को आप आगे ले जा सकते हैं। और सभी लोग और आप सभी से कहना चाहते हैं कि एक बार और इतिहास दोहराने का समय है, क्योंकि सभी लोग भूल चुके हैं। क्योंकि आप ये मत सोचिए कि आज आपके पक्ष में ये पार्टी बोल रहा है तो वो आपके पक्ष में रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि वो सिर्फ बोल रहा है आपसे काम लेने के लिए, उसके बाद कुशवाहा समाज को वैसे ही छोड़ दिया जाता है जैसे वो पहले रहता है। कुछ दिन कुछ पल आश्वासन दिलाया जाता है कि हम बहुत कुछ करेंगे आपके लिए, बहुत कुछ करेंगे, उसके बाद उनके काम निकलने के बाद पूछा भी नहीं जाता है कि क्या हुआ। और इस बार इलेक्शन में बहुत ही अच्छा हुआ था और बहुत बहुत सारे कुशवाहा नेता मुखिया बने और बहुत जगह पे पंच सरपंच बने थे। पर ये हालात देखकर हमको नहीं लग रहा है कि कुछ कुशवाहा समाज के नेता को इस लाइन में आगे बढ़ने दिया जा रहा है। नीतीश कुमार के राज में नीतीश कुमार जी से हम कहना चाहते हैं कि आपको कुशवाहा समाज को सिर्फ वोट लेने के वक्त याद आता है, उसके बाद कुशवाहा समाज को ऐसे भूल जाते हैं आप जैसे कोई है ही नहीं, मतलब इनसे कुछ होता ही नहीं। आपको खुद पता है कि कुशवाहा समाज हमको सपोर्ट करता है, वोट करता है तो हम इतला गया है। लेकिन कुशवाहा समाज के नेता मर रहे हैं, कोई भी मुखिया मर रहा है, वार्ड मर रहा है, जिसके ऊपर एक बार आपका ट्वीट नहीं हुआ है, इससे साफ साफ दिखता है कि आप कितना चाहते हैं कुशवाहा समाज को। और आपको रहा बात है उपेंद्र कुशवाहा जी का, तो उपेंद्र कुशवाहा जी के चलते आपको सभी लोग सपोर्ट भी करते हैं और उपेंद्र कुशवाहा जी को हम लोग अपना मानते हैं और वो कुछ भी करें लेकिन उनको भी इस पे खुलकर बात करना चाहिए, ट्वीट करना चाहिए, क्योंकि जो गलत है उस पर तो कम से कम ट्वीट कीजिए। अब साफ साफ दिखाते हैं कि कुशवाहा समाज को हम सब कुछ करेंगे। कुशवाहा नेता इतने अच्छे वोट से, मतलब इतना मुखिया, मतलब पंच सरपंच बने हैं, लेकिन उसको भी मर्डर करवाया गया। बताइए, चार चार मर्डर, एक नहीं चार चार, और भी चारों के चारों कुशवाहा समाज के। सही कह रहे हैं कि खेत बेच ले लो भाई, लेकिन हथियार रख लो, अपना सुरक्षा खुद करो। और सभी को कहना चाहते हैं कि कुशवाहा समाज को आगे ले जाने के लिए पहला बात है जो है वो राजनीतिक में आगे होना चाहिए। जब तक राजनीतिक में आगे होने और होना चाहिए और इसको होने नहीं दिया जा रहा है, जब इसको मतलब समाज के लोग आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, विकास करने के अनुमति दे रहे, विकास भी कर रहा है, फिर भी उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। उनको जब सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं फिर भी, और इसके पहले भी हुआ था, हम वीडियो बनाए हुए थे अपने चैनल पे, इसके पहले भी एक बार हुआ था जब मंत्री पद से हटाया गया था कुशवाहा समाज नेता को। जब उपेंद्र वोट आता है तो उपेंद्र कुशवाहा याद आ जाते हैं। हम सब लोगों ने आपको मिलकर सरकार बनाया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग के ऊपर अत्याचार हो जिस पर आप एक ट्वीट और एक बार बोले नहीं। और इसके ऊपर बहुत जल्दी कार्रवाई होगा, और कार्रवाई नहीं होगा तो आप सभी का सपोर्ट चाहिए। आप सभी लोग शेयर कीजिए, ज्वाइन कीजिए, और बहुत जल्द छपरा में, सिवान में बैठक होने वाला है बहुत जगह पे। और आप लोग भी कहाँ कहाँ से कमेंट जरूर कीजिएगा, अगर अलग जिले से है तो वहाँ भी आएंगे और वहाँ भी आप सभी से मिलकर कुछ इसके बारे में जानकारी लेंगे। और आप सभी लोग भी एकता जरूर लाइए, क्योंकि कहने से कुछ नहीं होगा, कुछ दिखाइए कर आप सभी लोग, जिसका इंतजार है आप लोग को, आप सभी लोग को कि पहले इतिहास दोहराने का तो दोहराया जाए और एकता में बल लाया जाए, एक दूसरे को टांग खींचने के सिवाय। जिस चीज पे फोकस है, आप आपस में लड़ रहे थे ना आप लोग, पवन फैन खेसारी फैन, पवन सिंह का कहना आया था ना खेसारी लाल का, आधा हीरान के आधा बबुगान के, तो हम लोग कहते थे उस वक्त
बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए। बताया था ना सॉन्ग सुन के तो मजा आ गया होगा आप लोग को। और आज पवन फैन खेसारी फैन बनने चले हैं, फैन हम एक ही का है नीलकमल का, वो गलत है फिर भी सपोर्ट में है और सही है फिर भी। फैन उसी का बना जाता है जो जिसको विश्वास हो। हम फैन किस बात के, जब हमको पता है कि ये लड़का गलत है, गलत करता है, हमको विश्वास है कि जो आदमी गलत नहीं कर सकता उसका फैन है, गलती में वो गलत भी करता है तो उसका साथ रहते हैं, ये गलत नहीं किया होगा, इतना तो है विश्वास। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और पवन फैन खेसारी फैन करना बंद कीजिएगा, आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है। और इस चीज़ पे ध्यान दीजिए, और इस चीज़ पे बहुत जल्द बैठक भी होने वाला है सब जगह, और आप लोग के भी एरिया में कहाँ से हैं कमेंट कीजिए। और हम मुजफ्फरपुर जिला से हैं, बहुत लोग कमेंट पूछते हैं, मुजफ्फरपुर जिला से हैं सरैया थाना के पास से। तो जिन भाई को अगर आना हो, मिलना हो, तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम उनसे बात कर लेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और आप सभी को कहना चाहते हैं कि इसके ऊपर आवाज़ जितना दबाया जा रहा है उतना उछाला जाएगा, और इसके ऊपर बहुत जल्द बहुत बड़ा बैठक भी होगा, और इस पर कार्रवाई नहीं होगा उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा, और ज़रूरत पड़ा तो चक्का जाम भी किया जाएगा। क्योंकि जब तक शांत रहिएगा तब तक वहीं रहिएगा जहाँ है, और वहीं चाहते हैं सभी लोग, बड़े बड़े नेता लोग। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, कुछ चीज़ें जो खुलकर नहीं बता सकते हैं यूट्यूब पर, तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार और कहना चाहते हैं, शेयर कर दीजिएगा, और ध्यान रखिए इस चीज़ को दबने नहीं देंगे हम जब तक इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो जाता। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय कुश।